हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो देखिए, यहाँ पे मैंने बनाया है मिल्क पाउडर से गुलाब जामुन। तो इतना सॉफ्ट और इतना अच्छा जूसी बना था। तो यहाँ पे मैंने लिया है, देखिए मैंने मेंशन किया है सब ऊपर में, एक बाउल मिल्क पाउडर, एक बाउल शक्कर, बेकिंग सोडा, घी, मिल्क, हाफ बाउल मिल्क। और वहाँ पे मैंने यहाँ पे सबसे पहले शुगर सिरप बना लिया है। तो यहाँ पे देखिए, शुगर सिरप बनाने के लिए मैंने एक बाउल पूरा भर के मैंने शक्कर लिया था, तो मैंने 2.5 बाउल यहाँ पर पानी ले लिया है। तो आप लोग अपने हिसाब से, कप के हिसाब से मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं डो बना लूँगी सबसे पहले। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है एक बाउल मिल्क पाउडर और 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे मैदा लिया है। और देखिए, तो एकदम चुटकी भर मैंने यहाँ पे बेकिंग सोडा ले लिया है। तो यहाँ पे मैं इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ, एकदम हल्के हाथों से इसे मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद फिर हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे एक फुल चम्मच, मतलब बड़ा चम्मच का, एक बड़ा चम्मच हम लोगों को यहाँ पे घी ऐड करना है। तो इसे हम लोग बहुत अच्छे से मॉइस्ट होने तक मैं इसे मिक्स कर लूँगी बहुत अच्छे से कम 2 से 3 मिनट के लिए। तो यहाँ पे मैं इलायची पाउडर ऐड कर दे रही हूँ। तो वहाँ पे मैंने शुगर सिरप में भी 3 इलायची ऐड किया है, लेकिन मैंने यहाँ पर थोड़ा सा इसमें भी टेस्ट अच्छा आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर ऐड किया है। तो यहाँ पर देखिए, ये मैंने मिक्स कर लिया है और ये बहुत अच्छा हथेली पर आ जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने 5 मिनट के लिए बॉयल कर लिया था, शुगर सिरप मेरा रेडी हो गया है। उसे हल्का वार्म रखना है, तो इसलिए उसे कवर करके या ढक करके रखिए। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले थोड़ा थोड़ा मिल्क ऐड कर ले रही हूँ। मिल्क ऐड करने के बाद फिर इसे अच्छे से मिक्स करना है और हल्के हाथों से इसे इस तरीके से डो बना लेना है। तो कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से धीरे धीरे मॉइस्ट और गूथना है इसे। गूथने के बाद में देखिए, ये हल्का सा ऐसा हो जाएगा। तो मैंने इसे 10 मिनट के लिए कवर कर लिया। तो देखिए, ये एकदम सॉफ्ट हो गया है 10 मिनट के बाद। तो मैं अब इससे छोटे छोटे, तो मेरा जो गुलाब जामुन है मैंने एकदम छोटा छोटा बनाया है, अनु को बहुत पसंद है। तो अनु का डिमांड था कि मम्मा मुझे गुलाब जामुन खाना है। तो मैंने सोचा कि बाहर से क्यों मंगवाना है, घर पर ही बना लेते हैं, मिल्क पाउडर है, तो मैंने इसलिए घर पर ही बना लिया। तो मैं ये बना रही थी 2:30 बजे, मैंने उसको बस बोला था कि बनाऊंगी, तो उसने बोला नहीं मम्मा अभी बनाना है। तो फिर मैंने 2:30 बजे ही दोपहर में बना लिया। तो यहाँ पे मैंने पूरे बॉल्स अच्छे से बना लिए हैं और मैंने इस तरीके से एकदम बहुत ही, मतलब मैंने ऑयल डाला है, ऑयल डालने के तुरंत बाद मैंने यहाँ पे बॉल्स ऐड कर दिया है। इसे बिल्कुल भी हीट नहीं करना है। तो देखिए, जो गुलाब जामुन है इसमें पता चल रहा है कि वहाँ पे ऑयल हीट नहीं है। तो इसे कम से कम गोल्डन ब्राउन होने तक बिल्कुल भी लो फ्लेम में हम लोगों को इसे इस तरीके से मिक्स करते रहना है और इसे चलाते रहना है, नहीं तो वो काला हो जाएगा, जल जाएगा, एक साइड से पकेगा, एक साइड से नहीं पकेगा। तो मैंने इसे कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई किया। तो देखिए, ये बिल्कुल भी परफेक्टली रेडी है शीरा में जाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से इसे गोल्डन ब्राउन से भी ज़्यादा मैंने थोड़ा सा ब्लैक किया है कि ये इसका कलर बहुत अच्छा आता है, तो खाने में भी अच्छा लगता है, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो मेरे बाकी जो बॉल्स बचे हुए थे वो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। तो अब मैं इसे भी फ्राई कर लूँगी। और जो मैंने शीरा बनाया था वो एकदम हल्का वार्म, देखिए। तो यहाँ पर मैं इलायची पाउडर ना निकाल ले रही हूँ, तो अगर आप लोग चाहते हैं तो उसे ऐड कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे निकाल लिया है। तो यहाँ पे मैं अब बॉल्स जो है वो थोड़ा सा ठंडा हो गया है, तो मैंने वार्म पानी रखा है। जो शीरा है वो थोड़ा सा हल्का गर्म होना चाहिए, जिससे जो गुलाब जामुन है वो बिल्कुल भी सॉफ्ट रहे। तो मैं इसे अब कवर कर दूंगी। कवर करने के बाद मैंने कम से कम 2 से 2.5 घंटा कवर किया था। अनु को तो सब्र ही नहीं हो रहा था, मम्मा कब खाएंगे कब खाएंगे। तो देखिए, ये परफेक्टली बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। तो अनु तो एकदम एक्साइटेड थी, मैं तो यहाँ पर सर्व भी नहीं कर पा रही थी कि मम्मा मुझे चाहिए चाहिए। तो मैंने सबसे पहले से ही खिलाया, तो एकदम देखिए बहुत अच्छा जूसी और सॉफ्ट बना था। तो आप लोग ज़रूर से इसे ट्राई करिएगा घर पे। तो देखिए, उसका एक्सप्रेशन तो इतना बढ़िया था, मतलब मम्मा इतना अच्छा बना है। तो आप लोग ये ज़रूर से ट्राई करिएगा। सुपर बना है, ज़रूर से ट्राई करिएगा और बताइएगा रेसिपी कैसी लगी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो करिएगा। चाचा, मम्मी डाटा कर दो। चाचा।